और चलिए बात करेंगे मुजफ्फरनगर, जहां पर छात्रों से लगवाए तमाचे। एक के बाद एक छात्रों ने लगाए छात्र को तमाचे, तो एक छात्र को कई सारे स्टूडेंट से पिटवाया गया, तमाचे लगवाए गए। मासूम रहा शिक्षिका, पिटवाती रही। बाकायदा ये जो करतूत है वो एक शिक्षिका की साई है। ये देखिए, एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है और रोज से एक एक स्टूडेंट उठकर आ रहा है और इस बच्चे को थप्पड़ मार रहा है। शिक्षिका ने नंबरवार छात्रों से लगवाए तमाचे, छात्र के साथ मारपीट का ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि शिक्षिका जो है वो यहाँ बैठकर देखती रही और इस बच्चे को एक एक बच्चा उठकर आता रहा और थप्पड़ मारता रहा। तो एक स्कूल की तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक क्लासरूम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्र जो है वो टीचर की टेबल के ठीक आगे खड़ा हुआ है। एक एक बच्चा रोज से आता है और उसको थप्पड़ मारकर वापस बैठने जाता है। ये मामला जो है वो मंसूरपुर के ख्वाबापुर नेहा पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन तमाम सवाल ये पूरा मामला खड़ा कर रहा है। कैसे टीचर ने क्लास में बच्चों को ये आदेश दिया, होमवर्क करके नहीं आया था छात्र, ये जानकारी मिल रही है कि ये जो छात्र है वो होमवर्क करके नहीं आया था, फिर कैसे इस छात्र को ब्लैक बोर्ड के पास पर खड़ा किया गया और उसके बाद एक एक छात्र जो है वो सामने रोज से उठकर आता है और उसको एक थप्पड़ मारता है। शिक्षिका ने धर्म से जुड़ी टिप्पणी भी की, ये भी जानकारी यहां पर मिल रही है। पीड़ित छात्र के परिवार से समझौता, खुबापुर गांव के स्कूल की एक घटना बताई जा रही है। तो टीचर के इस फरमान पर अब सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार किस तरह से बच्चों से इस छात्र की पिटाई करवाई गई, ये किस हद तक ठीक है। अगर एक छात्र होमवर्क नहीं करके आता तो उसे डांटा जा सकता था, टीचर कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन बच्चों से इस तरह से पिटाई कराना, थप्पड़ मारने के लिए कहना और एक एक बच्चा बाकायदा उठकर आ रहा है अपनी रोज से थप्पड़ मारकर वापस जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी की तरफ से अब ये पूरी घटना जो है वो ट्वीट की गई। अब बड़ा सवाल इस मामले को लेकर, देखिए, मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो और उनके मैं इस तरह से जर घोलना, इसको लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और साथ ही इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी तरफ से भी ट्वीट किया गया है, हम अपना आने वाली पीढ़ियों को कैसा क्लासरूम, कैसा समाज देना चाहते हैं, जहां चांद पर जाने की तकनीकी की बातें हो या फिर नफरत की चार दीवारी खड़ी करने वाली बातें, विकल्प स्पष्ट है, नफरत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है, हमें एकजुट होकर इस नफरत के खिलाफ बोलना होगा, अपने देश के लिए, तरक्की के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये ट्वीट जो है वो प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की भी तरफ से ट्वीट किया गया, बच्चों के पिता ने उसे स्कूल से निकाल दिया है और लिखित में दे दिया है कि वो कोई कार्रवाई नहीं करवाएंगे, बाकी जगह तो ऐसी वीडियो पर तुरंत एक्शन लिया जाता है लेकिन यहां पर क्या हो गया, एक नोटिस तक जारी नहीं किया गया। अब इस मामले को लेकर तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं इस मामले को लेकर, आखिरकार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और साथ ही सबसे पहला ट्वीट है वो राहुल गांधी की तरफ से हमने आपको दिखाया, उसके बाद प्रियंका गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि एक तरफ देखिए हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, हम चांद पर पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की नफरत जो है वो बच्चों में घोली जा रही है। और नफरत, ये देखिए, वरुण गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, घृणा भाव से पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है, शिक्षक वो माली है जो प्राथमिक संस्कारों में ज्ञान रूपी खाद डालकर व्यक्तित्व ही नहीं राष्ट्र गढ़ता है, इसीलिए दूषित राजनीति से परे एक शिक्षक से उम्मीदें कहीं अधिक होती हैं, कहीं ज्यादा होती हैं, देश के भविष्य का सवाल है, ये वरुण गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है।
देखिए, एक तरफ विपक्षी नेता जो है अब हमलावर है, वहीं वरुण गांधी बीजेपी सांसद की तरफ से भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है कि एक शिक्षक से बहुत उम्मीदें होती हैं और एक शिक्षक जो है वो कहीं ना कहीं शुरुआती अगर हम दौर की बात करें तो बच्चों के लिए अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा जो है वो टीचर का ही काम होता है और बच्चा काफी हद तक ज्यादा समय जो है अपना स्कूल या क्लासरूम में व्यतीत करता है और ऐसे में इस तरह की नफरत जो है धर्म को लेकर आखिरकार बच्चों में क्यों घोली जा रही है, इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर अब जमकर सियासत हो रही है। एक छोटे से थे बड़ी खबर मुजफ्फरनगर, जहां पर छात्र को छात्रों से लगवाए तमाचे, एक के बाद एक छात्रों ने लगाए छात्र को तमाचे, मासूम रोता रहा, शिक्षिका पिटवाती रही, शिक्षिका ने नंबरवार छात्रों से तमाचे लगवाए, छात्र के साथ मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मंसूरपुर के ख्वाबापुर नेहा पब्लिक स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक स्कूल का बेहद हैरान करने वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक प्राइवेट स्कूल की टीचर क्लास में एक बच्चे को बाकी बच्चों से पिटवा रही है। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस बच्चे को बाकी छात्र थप्पड़ मार रहे हैं वो बच्चा होमवर्क करके नहीं आया था, जिसके बाद बच्चे की पिटाई बच्चों से कराई गई। इस मामले को लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर में छात्र की पिटाई का मामला, मामले पुलिस ने केस दर्ज किया है, आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, पीड़ित छात्र के पिता की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। धारा 323 504 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि क्या कुछ कार्रवाई टीचर पर होती है इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन इस मामले को लेकर अब सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी की तरफ से तमाम सवाल खड़े कर दिए गए हैं। राहुल गांधी की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है, मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। इसको लेकर राहुल गांधी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए के साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? टीचर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है, क्या कुछ कार्रवाई की बात कही जा रही है और स्कूल प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर अभी तक क्या सफाई गई है? देखिए, स्कूल और प्रशासन की अगर बात की जाए, स्कूल प्रशासन में कुछ ही चंद लोग हैं, जिनमें जो महिला प्रिंसिपल है वो है, उनके एक पति है और कुछ टीचर्स हैं, ज्यादा स्टाफ स्कूल प्रशासन में नहीं है। अगर डीएम साहब बात कीजिए, डीएम साहब का अभी भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पूरे प्रशासन जितना भी इस के लोग थे उनको जो एक समिति होती है उनको पूरी तरह से बुलाया गया है और जो बच्चे हैं जिनके साथ मारपीट किया उनको काउंसलिंग के लिए चाइल्ड केयर समिति है उसके सामने भेज दिया गया है। क्या वो बयान देते हैं, क्या घटना हुई है? घटना बेहद ही निंदनीय है, बेहद ही शर्मसार है, जिस तरह से एक महिला द्वारा, महिला माँ ममता का दूसरा रूप होती है और उस ऊपर से वो टीचर गुरु का रूप होती है, उसके द्वारा इस तरह से जो कृत्य किया गया बिल्कुल निंदनीय है। पूरे जो क्षेत्र है, इलाके के लोग हैं, इस चीज़ को, पूरे इस घटना को शर्मसार बता रहे हैं। मैं उसी समय अभी नेहा पब्लिक स्कूल में खड़ा हूँ, ये निर्माणधीन वो नेहा पब्लिक स्कूल है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। अगर आप जा सकते हैं तो स्कूल के अंदर जाइए, टीचर्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए। एक छात्र की बाकी छात्रों से इस तरह पिटाई आखिरकार क्यों कराई गई, इसको लेकर अब तमाम सवाल। दूसरी तरफ राजनीति भी हो रही है, बात करिए अगर टीचर्स वहां पर मौजूद हैं। ये देखिए, आज यहाँ पर न कोई बच्चा है न टीचर है, जो महिला टीचर है जिसके द्वारा पिटाई कराई गई थी बच्चों के द्वारा वो मौजूद है, लेकिन वो दूसरी बिल्डिंग में मौजूद है। ये वही स्कूल निर्माणधीन स्कूल है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी उसके बाद। धर्मेंद्र, क्या आपकी जिस छात्र की पिटाई की गई है उसके पेरेंट्स से बात की गई है, माता पिता की तरफ से क्या कहा गया है? क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है, साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी ट्वीट किया गया, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आखिरकार इस टीचर पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, देखिए, मैं उनके पिता से, बच्चे के पिता से हमारी बात हुई थी, बच्चे के पिता से कल भी बात हुई थी, कल उन लोगों ने फैसला कर लिया था, लेकिन रात देर के कहने के बावजूद पुलिस की उनसे तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कराया, जो प्रथम NCR में दर्ज हुआ है, मारपीट में दर्ज हुआ है। पिता का साफ कहना है
कि मेरे बच्चे के साथ में गलत हुआ, भेदभाव हुआ, और एक धार्मिक कमेंट है वो भी महिलाओं के ऊपर किया गया कि मुस्लिम महिलाएं बच्चों को ध्यान नहीं देती, जिसके चलते पूरी जो पढ़ाई है उसका नाश हो जाता है। उसी के चलते मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से गाँव में जो चर्चा का विषय है बिल्कुल अलग है, वहीं अगर वीडियो बनाने वाले की बात की तो जो नदीम ये नाम का युवक जिसने वीडियो है वो बच्चे का चाचा है, वो उस समय मौके पर मौजूद था, उसने उस समय उस टीचर को टोकना एवं बच्चों को टोकना उचित नहीं समझा, सिर्फ वीडियो बनाना उचित समझा कि वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया ताकि समय पर रहते उस बच्चे को पिटाई से बचाया जा सकता था, अगर वो नदीम जो वीडियो बनाने वाला चाचा था उस समय विरोध करता। बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है, कांग्रेस तमाम सवाल खड़े कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए गए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बच्चे की आखिरकार पिटाई कराई क्यों गई, क्यों टीचर ने इस तरह से एक एक बच्चे से कहा, जो सामने हम देख रहे हैं, जो वीडियो में नजर आ रहा है कि आप लोग एक एक करके उठकर बच्चा रहे हैं और उस बच्चे को थप्पड़ मार रहे हैं जो वहां पर खड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के बयान सामने आ रहे हैं, उसमें चाहे राहुल गांधी हो, जयंत चौधरी हो, अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, सब लोगों के बयान सामने, और विजिट भी शुरू हो गया है इस गांव में राजनीतिक पार्टियों का। मैं अगर दूसरी जिस तरह से वो बच्चा महिला द्वारा पिटवाया जा रहा है तो मैं बताना चाहूँगा कि वो जो महिला टीचर है वो दिव्यांग है, वो उठकर चल नहीं सकती, इसी वजह से उस टीचर का साफ कहना है कि मुझसे गलती हुई है, जो इस तरह का मैंने करते कहा है वो शर्मदार है अपनी इस घटना को लेकर। लेकिन धर्मेंद्र, अगर टीचर चल नहीं सकती तो क्या एक बच्चे को उसके ही जो क्लासमेट है उनसे थप्पड़ मारने के लिए कहा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। टीचर किसी भी अगर कोई गलती उस बच्चे ने की है तो उसके लिए पनिशमेंट टीचर की तरफ से दी जा सकती है, लेकिन बच्चों से पिटवाना ये किस हद तक ठीक है, और जिस स्कूल में आप मौजूद हैं क्या वहां पर स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी टीचर या प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अगर मौजूद है तो इसमें को लेकर बातचीत करिए, और स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या अभी उस टीचर पर कोई कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, देखिए स्कूल प्रशासन का कोई भी टीचर या कोई भी आदमी अभी इस स्कूल में मौजूद नहीं है, क्योंकि कल की घटना को देखते हुए जिस तरह से पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर मीडिया का जो जमाव ढहाना जाना है उसके चलते हुए कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो परस्पर जरूर अपने आवास पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल धर्मेंद्र, इस पूरे मामले ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। वरुण गांधी की तरफ से खुद कहा गया कि घटना ने देश को शर्म से झुकाया है, बच्चे इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है और इस तरह से क्लास में जहां पर सब एक साथ बैठते हैं, क्योंकि खुद इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका गांधी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है कि एक तरफ हम चांद पर पहुंचने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह से धर्म को लेकर जहर घोला जा रहा है बच्चों में, जो अभी समझना जिनकी समझ जो है अभी शुरू हुई है और जो सिर्फ पढ़ाई के लिए यहाँ पर आते हैं, और टीचर जिनकी जिम्मेदारी है देश का भविष्य तैयार करने के लिए, तो ऐसे भविष्य अगर तैयार हो रहे हैं और इस तरह का भेदभाव का पाठ वहां पढ़ाया जा रहा है और ऐसी तस्वीरें अगर सामने आएंगी तो वाकई सवाल खड़े होंगे। धर्मेंद्र, बिल्कुल आज में ये सवाल खड़े, जिस तरह से गुरु दूसरा रूप होता है, एक गुरु के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को कहीं ना कहीं आगे जाके भविष्य में काम आने वाली होती है, और उसमें गुरु और वो भी एक महिला हो और महिला का इस तरह से कत्ल किया जाना कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में ही नहीं देश तक, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को पढ़ रहे हैं या इस खबर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे हर पर्व है अपने आप में देखकर किस तरह से एक रूप, एक माँ का महिला एक ममता का मंदिर भी होती है, और ऊपर से अगर वो गुरु हो और इस तरह के कर्त अगर वो कराती हो तो कहीं ना कहीं लाजमी है कि वो इस तरह की महिला गुरु लायक नहीं है, गुरु के सम्मान लायक नहीं है। चलिए धर्मेंद्र, इस खबर पर आप नजर रखिएगा, क्या कुछ कार्रवाई स्कूल प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी।